जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ होती रहती है, जिसमें आतंकियों को भारी नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आते। ये जिहादी जब भी खुद को घिरता देखते हैं तो दूम दबाकर भाग निकलते हैं। ऐसी ही एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के बड़गांव से सामने आ रही है। दरअसल बड़गांव के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अभी तक की जानकारी में इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन फ्लश आउट के जरिए सुरक्षा बलों ने बहुत से आतंकियों को ढेर किया है। एक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। अब दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले यानी कि कल भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि चल रही मुठभेड़ में क्या अपडेट आती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।